कोटा दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। एक तरीके से राजस्थान की जनता अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है ये सरकार। जिस सरकार को अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। नड्डा ने कहा कि यहाँ पर 17 बलात्कार की घटना रोजाना रिपोर्ट हो रही है। अकेले राजस्थान में 22 रेप के केस और क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर एक पर है। आज मैं कोटा, जो शिक्षा की नगरी है, लैंड ऑफ एजुकेशन, वहाँ मुझे आने का मौका मिला और आज मैं कार्यकर्ताओं के साथ हमारे झालावाड़, बूंदी और कोटा शहर और देहात के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मुझे मिलने का और बातचीत करने का मौका मिला और सभी के साथ मैंने विस्तृत रूप से चर्चा की है। सबसे पहले तो मुझे वीरों की धरती और वीर भूमि पर आप सब लोगों के साथ मिलने का भी मौका मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि जो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूँ, वह स्पष्ट रूप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है कि वह राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस की गहलोत सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय करके, संकल्प लेकर परिवर्तन करने का मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का भी मन बनाया है। जनमानस में मैं देखता हूं कि एक तरीके से राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार, इसको अलविदा कहने का राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। ये एक ऐसी भूमि हुई है जहां 17 रेप्स डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। 22% जो टोटल रेप्स के केसेस हैं, अकेले राजस्थान में 22% है। 15,000 से ज्यादा माइनर रेप्स केसेस रिपोर्ट हुए और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वह भी बताती है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर एक पर है। करौली की घटना हम भूल नहीं सकते, जिसमें एक दलित बहन को किस तरीके से उसके साथ बलात्कार हुआ और उसके शरीर को किस तरीके से उसके साथ जो सलूक हुआ वह भी हम सबको पता है। भीलवाड़ा में जो आदिवासी बहन के साथ हुआ वह भी हम सबको ध्यान में है। ऐसे हजारों केस हैं जिसमें मानवता शर्माती है और विशेष करके सरकार की उदासीनता, गहलोत सरकार की उदासीनता हम सबको देखने में मिलती है। जब मैं युवाओं के साथ धोखा की बात कहता हूं तो 17 पेपर लीक हुए हैं। 50,00,000 से ज्यादा यूथ के साथ अन्याय हुआ है और इसलिए युवाओं ने भी मन बना लिया है कि वो इस सरकार को धत्ता दिखाकर, इस सरकार जिसने उनके साथ धोखा दिया, 17 पेपर लीक हुए हैं और सरकार बेशर्मी के साथ खड़ी है, यह भी हमको देखने को मिलता है। अगर हम किसानों की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारा किसान भाई, जिसको कहते थे कि कर्जे माफ़ कर देंगे, मेरे आंकड़ों को आप सही कीजिएगा
लेकिन 19,000 से ज़्यादा किसानों की भूमि उसका उसकी नीलामी हुई है और कुर्क हुई है, उसको कुर्क किया गया है, कन्फिस्केट किया गया है। ये राहुल गांधी जो आकर के बोला करते थे कि किसानों का कर्जा माफ होगा, आज 19,000 किसान अपनी धरती को अपनी जमीन को कुर्क करा के बैठे हैं। और इसलिए किसान उद्वेलित है, वो इंतज़ार कर रहा है कि इस चुनाव में बखूबी कांग्रेस को जनता जवाब देगी। जहां भ्रष्टाचार की बात करें तो हम सब लोगों के दिमाग में वो लाल डायरी तरोताज़ा है, और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लाल डायरी पर बेशर्मी से वक्तव्य देते हैं वो बताता है कि कांग्रेस कितनी उदासीन हो चुकी है और कांग्रेस इन गंभीर समस्याओं के प्रति कितना उसका उदासीन पूर्ण रवैया है। मैं जब यहाँ कोटा में आया हूँ तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ राजस्थान महिला उत्पीड़न में सबसे आगे खड़ा है, वहीं यहाँ का स्थानीय नेता ये कहता है कि राजस्थान मर्दों की भूमि है, इसलिए बलात्कार स्वाभाविक है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे नेता और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा राजनीतिक दल महिलाओं के प्रति किस तरीके की भावना रखता है, और ऐसे पार्टी को और ऐसी नेता को कोटा की जनता और राजस्थान की जनता भरपूर मजा चखाएगी और उन्हें सत्ता से और पद से पदच्युत भी करेगी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी। मैं एक बहुत ही उत्साह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देख रहा हूँ। कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करते समय ये बातें बड़ी स्पष्ट होकर के सामने आई हैं। यहाँ इस संभाग में 17 की 17 सीटें में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और 17 ही की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में कोटा संभाग के हमारे गणमान्य जनता, हमारे जनता जनार्दन, हमारे मतदाता